फिलहाल वाले के मेहर के अभी तक यहाँ पर ब्लैक फंगस का केस नहीं आया है, लेकिन कल तक की रिपोर्ट थी कि लगभग 700 केस राजस्थान में आ गए थे और महाराष्ट्र में 2500 हो गए हैं। तो ये महामारी घोषित किया राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को, तो इसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके भी इमरजेंसी के तौर पर हम लोग प्रचोर कर रहे हैं राजस्थान में, लेकिन ये ओवरयूज से हो रहा है, जो हम स्टेरॉइड्स को ओवरयूज कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर्स को भी नाप तोल कर ही स्टेरॉइड्स का प्रयोग रोगियों पे करना चाहिए। सर, जनानावाड़ के बच्चा वाला एक महीने पहले सीएमओ को डिमांड दी गई, 28 उपकरण की डिमांड थी, वो एक महीने में अब तक पूरी नहीं हो पाई। अभी सीएमओ यहाँ पर थे और मेडिकल के अधिकारी सब लोग थे, तो हम लोगों ने सब जगह काम किया है, तो डिमांड पूरी नहीं हो पाई, जल्दी उसको कराएंगे। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना, पाइप्स लगा देना, वेंटिलेटर पूरे सर्किल से चालू रहें उस पर, और ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई पहले जयपुर से अजमेर से आ रही थी, उसके अतिरिक्त मैंने 150 सिलेंडर प्रतिदिन हम लोगों ने अलवर से एक निजी व्यक्ति के सहयोग से यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाए थे, उससे काफ़ी राहत मिली है। जो भी कमियाँ हैं, क्योंकि संसाधन सीमित रहता है जानते हैं, फिर भी अगर कोई कमियाँ रहेगी उसको पूरा। लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, अभी कोई संभावना इस तरीके लग रही है? देखिए, अब सब लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है 24 तक लॉकडाउन है ही, लेकिन स्थिति में हम लोगों को मुझे लगता है इसमें और अभी एहतियात बरतनी बरतनी चौधरी ऐसा है, हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक ब्रेक लगना हो कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता है और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, छठी बार विधानसभा में वो गए हैं, उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता हैं और मारवाड़ के एक बहुत महत्व रखने वाले वो जननेता हैं, और मैं समझता हूँ उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका जो जनता के बीच जो लगाव और जुड़ाव है उसका कोई दूसरा उदाहरण कांग्रेस में नहीं है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा जयपुर के अंदर कि उनका इस्तीफा दे देना इस प्रकार विधानसभा से बहुत चिंता का विषय है। उनके आरोप जो थे कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, वेद प्रकाश सोलंकी भी उनके फेवर में हैं और क्या, उसके अलावा 48 विधायक जो हैं कांग्रेस के नाराज, तो इस प्रकार सरकार कैसे चल पाएगी और लोगों के काम नहीं होंगे? आज विधायक आप ही मानो, अगर आप ही काम नहीं होंगे तो जनता तो आपसे कहेगी, तो जाए तो कहाँ जाए। मैंने कहा ना, इतने वरिष्ठ हमारे साथी हैं हेमाराम चौधरी साहब, और इस बार 2018 के जब चुनाव हुए थे तब भी वो लड़ने के इच्छुक नहीं थे, उनके एक जवान बेटे की मौत हो गई थी और बहुत हताश थे, लेकिन मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था PCC का, मैंने खुद जाके उनसे निवेदन किया कि पार्टी को ज़रूरत है, जनता को ज़रूरत है, ज़िले में पूरे पश्चिम राजस्थान में आपकी एक आवाज़ है, और मेरे आग्रह करने पर वो चुनाव लड़ने के लिए माने, चुनाव लड़े और अच्छे तरह से जीते भी, और उनका इस प्रकार जो इस्तीफा उन्होंने दिया है मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय। सर, क्या अलग अपन हस्तक्षेप करेगी आप भी दिल्ली से इस मामले में?